नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इंडिया द्वारा किए गए अच्छे काम की वजह से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों मेट्रो के मुख्य प्रबंधक बृजेश दीक्षित और उनकी टीम को रिकॉर्ड के प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इस मौके पर मेट्रो के तमाम लोग काफी खुश नजर आए। आइए डालते हैं एक नजर। नागपुर मेट्रो के रेल प्रोजेक्ट इंडिया द्वारा किए गए काम की सराहना करते हुए नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया। नागपुर में मेट्रो द्वारा काफी ओवरफ्लाई और अंडरब्रिज बनाए गए हैं, जिससे यातायात का प्रॉब्लम काफी हद तक कम हुआ है। आज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों मेट्रो के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर मेट्रो के मुख्य प्रबंधक बृजेश दीक्षित ने कहा कि रिकॉर्ड बनाना और तोड़ना ये महा मेट्रो के डीएनए में है। रिकॉर्ड का जो वितरण हुआ उसे मेट्रो के तमाम लोगों को हर्ष हुआ है, ऐसा मेट्रो के मुख्य प्रबंधन बृजेश दीक्षित ने कहा है। नागपुर शहर में बहुत कम एशिया लेवल के रिकॉर्ड है, मैडम एक रिकॉर्ड होल्ड कर रही है, और आज का जो ये रिकॉर्ड नागपुर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो एड हो रहा है वो नागपुर को टाइगर सिटी, ऑरेंज सिटी और एक मेट्रो होने वाली सिटी के साथ साथ एक नई पहचान देने वाला है कि जहां पर एशिया लेवल का इस तरह का रिकॉर्ड अवेलेबल है, और वैसे भी इवन स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर भी इस तरह का रिकॉर्ड होना एक गर्व का विषय है। मेट्रो के बृजेश दीक्षित और उनकी सभी टीम को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने बधाइयां दी हैं। मनीष नगर में डबल डेकर बनाना काफी टेढ़ी खीर साबित हो रही थी, लेकिन उसमें से हल निकालते हुए यह काम संभव करा दिया। नागपुर में बने फ्लाईओवर अन्य शहरों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। मुझे याद है कि मनीष नगर की कनेक्टिविटी करना बहुत अड़चन का मुद्दा था, और अनेक बार मैं और देवेंद्र जी क्षेत्र के विधायक बने, एमएलए होने के कारण हमें समझ में नहीं आता था कि कैसे करना। कभी प्राइड होटल के बाजू से रोड निकालना, कभी कैसे नीचे जाना कि ऊपर जाना, और ये करते करते जो मेट्रो के ओरिजिनल प्लानिंग में स्वाभाविक रूप से ये मेट्रो के लिए अलग पिलर बनाने की योजना थी, और मेट्रो ने कंसल्टेंट को अपॉइंट भी कर दिया था। तब मैंने दीक्षित साहब को कहा कि मुझे लगता है कि इसके लिए अलग कंसल्टेंट आप लो, और LND का नाम मैंने उनको सुझाया, और मुंबई का जो फ्लाईओवर बना है एयरपोर्ट का संता क्रूज का, वो वेंकट रमन ने डिजाइन किया, उनको बुलाओ, उनसे जरा इसकी राय करो, ये क्या संभव है क्या कि एक ही पिलर पर फ्लाईओवर और मेट्रो एक ही जगह हम ब्रिज बनाए, ये संभव है क्या, वेरीफाई करके। उन्होंने कहा हम ट्राई करके देखते हैं, और वह बाद में इसका पॉजिटिव उत्तर मिला, और आज मुझे लगता है कि ये जो नागपुर में हुआ इसका अनुकरण पूरा देश अब कर रहा है। मैं 3 दिन पहले ताज होटल में एक फंक्शन में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी का सरकार बनने के बाद पहले ही पूछा था, तो एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी दोनों बैठे थे, तब बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि हमें मुंबई में जब हमने मेट्रो बनाई ये नागपुर जैसा फ्लाईओवर करते तो शायद मुंबई में डबल रोड बन जाते विदाउट लैंड एक्विजिशन को हम सब देखा, और आज आपने किया। अब इसके बाद पुणे में शिरूर से वागुली और दूसरी ओर तलेगांव से आगे फिर से शिरूर तक, मुझे मालूम नहीं है लेंथ शायद 50-60 किलोमीटर से भी, ऐसा किसी प्रकार का एलिवेटेड रोड बनाने की योजना हमने बनाई है, और NHAI को वो काम किया। चेन्नई में तो ये जो रोड बना रहे हैं दोनों पुणे का और दिल्ली का, वो आपके आगे का डिजाइन है, नीचे में 8-lane रोड, ऊपर में 6-lane फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6-lane फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो, ये चेन्नई का और पुणे का डिजाइन है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे, BCN News नागपुर।